Nandi Gopal Kumara Govindai Namo Namah. Hey Krishna Karuna Sindhu Ginabandhu Jagatpati Gopesh Gopika Kanta Radha Kanta Namastita Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priya Shri Krishna Chaitanya Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Vakthanda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Yat Kroshi Yad Shnasi Yad Juhusi Dadasi Yat Yat Tapasya Si Kunti Tat Kroshu Madhar Padam. Hey Kunti Putra, Tum Jo Kuch Karte Ho, Jo Kuch Khate Ho, Jo Kuch Arpit Karte Ho, Ya Daan Dete Ho, Aur Jo Bhi Tapasya Karte Ho, Usi Mujhe Arpit Karte Hue Karo. इस विषय में हम पिछले दो चार दिन से चर्चा कर रहे हैं. श्री कृष्ण यहाँ इस श्लोक में, जैसे कि मैंने कल भी कहा, हमारे कल्याण हमारे भले के लिए स्वयं कह रहे हैं कि तुम जो भी करते हो मुझे अर्पण कर दो, मेरे लिए करो, मेरी प्रसन्नता के हेतु करो, मेरी खुशी के लिए करो. और एक वैष्णव जैसे कि आप सब हैं, उनका जीवन श्री कृष्ण की प्रसन्नता, श्री कृष्ण की सेवा और श्री कृष्ण के भजन. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम इसके लिए समर्पित होता है. श्री कृष्ण जब यहाँ कहते हैं कि तुम मुझे अर्पण कर दो, तो उसमें हमारा ही भला है. जैसे कि कल मैं समझा रहा था, हमारा ही कल्याण है. मुझे श्रीमद् भागवत की कथा का स्मरण हो रहा है कि जब भगवान श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण, और याद रखिए जिस क्षण आप कहते हैं श्री कृष्ण, उस समय पता नहीं आप पे कितनी कृपा बरसती है, आपको भी नहीं पता. जब आप कहते हो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, पता नहीं आपका कितना कल्याण हो जाता है, पता नहीं कितना आपका भला हो जाता है. ये आपकी कल्पना से परे है. हरि नाम की महिमा, हरि नाम की पवित्रता, कृष्ण नाम की मंगलमय शक्ति, इस संसार में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुख तकलीफ कष्ट परेशानी पीड़ा कोई अधूरी इच्छा हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है. कल गए कल की यादें, आने वाले कल की उम्मीदें, आज का संघर्ष, बस जीवन चल रहा है. इसी में जीवन चल रहा है. और इसी जीवन की आपाधापी में एक दिन आता है जब हम शमशान की तरफ चले जाते हैं. उस समय ना हम किसी के काम आ सकते हैं, ना कोई हमारे काम आ सकता है. अगर हमारे काम कुछ आता है तो मात्र हरि नाम है, हरि नाम है.
इसलिए मैं बार 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 आपसे यही अनुरोध करता रहता हूं कि जितना हो सके भजन करो, कीर्तन करो, कृष्ण दर्शन करो, महाप्रसाद लो और अपना जीवन कृष्ण को अर्पण करता हूं, कृष्ण को अर्पण करता हूं। हे श्याम सुंदर, मेरा जीवन आपके लिए है। ये जो आप घर से चलते हो, जब आप घर से चलते हो तो घर से चलते समय जो समय आपका बीतता जाता है वो सब कृष्ण अर्पण होता है। जब यहां से आप घर जाते हो तो वो सब कृष्ण अर्पण समय होता है। जब आप कृष्ण के लिए सोचते हो, कृष्ण का भजन करते हो, कृष्ण का प्रसाद लेते हो, कृष्ण की बातें करते हो, ये सारा समय जो आपका है वो कृष्ण अर्पण में। और अगर कृष्ण को कुछ भी अर्पण किया है वो अमर हो जाता है। देखिए, या हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो ऐसा थोड़ी कि एक बार गिफ्ट देने से काम हो गया पूरा। एक बर्थडे में गिफ्ट दिया तो दूसरा आ गया, फिर ऐसा थोड़ी कि दूसरे पे दोगे ही नहीं, वो तो रिश्ता निभाना है तो देना पड़ेगा। एक मेरी एनिवर्सरी पे कुछ पत्नी को लेके गया और दूसरे पे नहीं लेके दोगे, ऐसा थोड़ी, बल्कि वो आपसे और एक्सपेक्टेशन करेंगे। इस संसार में आप जितना जिसको दोगे उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी। आप जितना जिसको दो वो सेटिस्फाइड नहीं होगा आपसे, उसकी और एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी आपसे। जैसे उदाहरण, एक फकीर आपके पास आया, बाबा कुछ दे दे, देखिएगा एक्सपेक्टेशन की बात है। आपने एक रुपए का सिक्का निकाल के दिया, तुरंत सामने से आया, 10 रुपए दे दे बाबा। एक दिया तो उसको सीधी 10 की एक्सपेक्टेशन हो गई। और अगर आपने 10 निकाल के दिया तो सीधा बोलेगा खाना खिला दे बाबा, 1-2 किलो आटा ले दे, पैसे नहीं चाहिए आटा ले दे। ये एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी। आप अपनी काम वाली भाई को दिवाली पे 100 रुपए दो तो साथ में बोलेगी साड़ी भी दे दो ना, एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी। यह आप किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हो, किसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती चली जाती है आपसे। उंगली दो तो हाथ की एक्सपेक्टेशन, हाथ दो तो गले की एक्सपेक्टेशन, गला दो तो पूरा खून पीने की एक्सपेक्टेशन। दस मिनट दो तो 20 मिनट की एक्सपेक्टेशन करेंगे, 20 मिनट दो तो आधे घंटे की। ये एक्सपेक्टेशन बढ़ती चली जाएगी। संसार है, संसार कैसा, अग्नि जैसा है, उसमें जितना डालो सब भस्म होता जाएगा, जलता है। और डालो और डालो और डालो और डालो और जो डाला वो भस्म हो गया। ऐसे आपने जिनके साथ जितना कुछ अच्छा किया वो तो सब भस्म किया, और करो जो किया वो भूल गए। जो आपने उनके साथ अच्छा किया वो भूल गए, लेकिन और करने की एक्सपेक्टेशन आपसे रखी है। वो जो गया वो तो सब जल गया, भस्म हो गया, जाओ छुट्टी, और चाहिए। और अगर वो और नहीं करोगे तो आपसे शिकवा शिकायत, निंदा, गिला शिकवा। और याद रखना, शरीर और परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रह सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेशन हमेशा बढ़ती चली जाती है।
आप देखिए एक संसार का नियम बताऊं कि आपकी पगार हो सकता है एक जैसी रहे लेकिन महंगाई बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही शरीर और परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती लेकिन इस शरीर से और परिस्थितियों से एक्सपेक्टेशन बढ़ती चली जाती है। और फिर मैंने जैसे कहा गए कल की यादें, पहले जमाने में तुम कैसे थे, अब तो ऐसे रहे ही नहीं हो। अरे शरीर ही नहीं रहा तो मैं कहां से रहूंगा। पहले जमाने में तुम कैसे थे, वो एक बुढ़ापे में एक पत्नी अपने पति को सारे लव लेटर दिखा रही थी जवानी के, और उसमें लिखा था कि देखो आपने हर लेटर में लिखा आई लव यू आई लव यू आई लव यू। तो बूढ़े ने कहा मैंने लिखा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कहा फिर अब, बोला मैंने ये लिखा आई लव यू लेकिन ये कब कहा था कि बुढ़ापे में भी ऐसे ही रहूंगा। शरीर परिस्थितियां समय बदलता है लेकिन लोगों के एक्सपेक्टेशन वैसी के वैसे ही रहती है, लोगों के एक्सपेक्टेशन वैसी वैसी रहेगी। वो गई कल में खोए हाय ऐसे गहरे गहरे बोलेंगे, क्या क्या बोलते हैं उसको, आए आए क्या दिन थे। तो अब क्या है, लेकिन कृष्ण कृष्ण को यदि आप थोड़ा भी देते हैं तो आपसे ज्यादा की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, क्योंकि वो थोड़े में ही खुश हो जाते हैं, थोड़े में ही खुश हो जाते हैं, थोड़े में ही खुश हो जाते हैं। इसीलिए कृष्ण ने क्या मांगा, पत्रम। कोई बहुत बड़ी चीज आपसे नहीं मांगी, फलम फल तोयम जल, कुछ भी मांगा प्रेम से भाव से। इसलिए कृष्ण को आपसे कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है, थोड़ा भी कृष्ण के लिए करोगे बहुत हो जाएगा, और संसार के लिए बहुत भी करोगे तो उसको अंत में यही बोलेगा आपने लिए हमारे लिए क्या किया है, वो सब जो किया उस पे पानी फिर गया। जितना आप अच्छे चले, जितना प्यार किया, जितना समय दिया, जितने अच्छे व्यवहार किए, वो सब धुल गए। सब धुल गए लेकिन कृष्ण, मैं कहता हूं ना, ये जो आप कहते हो ना हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम, ये आपका परम मंगल परम कल्याण करेगा। आज भी तेरा आजरा कल भी, एक कृष्ण से और कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं और, कुछ नहीं और। कृष्ण के लिए आप थोड़ा भी करोगे कृष्ण के लिए बहुत हो जाता है। जब सुदामा जी श्री वृंदावन और द्वारका पहुंचे, समझिएगा आप जो कृष्ण को कितना भोग लगाते हो, बताओ बताओ ना, दो फुलके थोड़ी भाजी। मोस्टली हमने देखा है कि हमारे घर में मंदिर छोटा होता है, उसी हिसाब से बर्तन भी जी छोटे छोटे होते हैं, अच्छा उसी हिसाब से उसमें पदार्थ भी कम होता है, थोड़ा होता है ना। ऐसा छोटा सा गिलास होगा ठाकुर जी का, छोटी कटोरी छोटी प्लेट, जबकि हम खुद
ऐसे बड़े बड़े में खाएंगे, लेकिन उनको आपसे ये शिकवा नहीं है, उनको आपसे ये शिकायत नहीं है कि खुद इतने बड़े प्लेट में खाते हो, मुझे छोटे में खिलाते हो। संसार आपसे शिकवा करेगा, खुद मजे में रहते हो, हमें नरक में डाल दिया है, खुद मौज उगड़ाते हो और हमारी ये हालत हो गई। संसार आपसे शिकवा कर सकता है, लेकिन कृष्ण, कृष्ण के लिए वो छोटी प्लेट में भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आप तो छोटी प्लेट में दाल चावल सब्जी चपाती डालते हो, वो छोटी प्लेट में सेब अमरूद और केला डालते हो। अरे हमारे ठाकुर तो केले के छिलके भी खाने को तैयार है, केला तो बहुत दूर की बात है, उनको कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। संसार को हमेशा शिकायत रहेगी, ऐसा क्यों और वैसा क्यों और वैसा क्यों और वैसा क्यों। लेकिन कृष्ण उस केले से तो दूर की, केले के छिलके से खुश हो गए। किन्होंने खिलाया था? विदुर की पत्नी ने। केला खिलाया? नहीं, केला का छिलका खिलाया, कृष्ण खुश हो खा रहे थे। क्यों? उसके पीछे भाव देखा जा रहा था। हो सकता है आपकी प्याली छोटी हो, कटोरी छोटी हो, प्लेट छोटी हो, लेकिन उसके पीछे भाव बड़ा होना चाहिए। कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। श्री राधे। इसलिए जब सुदामा द्वारकापुरी पहुंचते हैं, समझिएगा कृष्ण के लिए थोड़ा अर्पण करो वो बहुत हो जाता है, बहुत हो जाता है। और संसार के लिए बहुत भी करो, अंत में उनको थोड़ा ही लगेगा, थोड़ा ही लगेगा। कितना भी दो, यहां ऐसे कई सेण होते हैं, उनको कितना भी दो फिर भी उनको कम ही लगेगा। कितना भी करो कम ही लगेगा। ऐसी कई स्त्रियां होती हैं जिनके लिए उनके पति कितना भी करे उनको कम लगेगा। ऐसे कई पुरुष होते हैं जिनकी स्त्रियां उनके लिए कितना भी करे उनको कम लगेगा। ऐसी कई संतान है, माँ बाप पूरा जीवन दे दे फिर भी उनको कम लगेगा। एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। ये संसार है हमेशा आपसे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन करता है, ज्यादा ज्यादा की एक्सपेक्टेशन करता है, ये संसार है। और कृष्ण आप देखिए यहां सुदामा गए द्वारकापुरी, और जब द्वारकापुरी सुदामा गए तब श्री कृष्ण ने बड़े भाव से उनका सम्मान किया, बड़े भाव से सम्मान किया। जबकि कृष्ण द्वारका के राजा है और सुदामा एक दरिद्र नागरिक है, कोई मेल नहीं खा रहा है, लेकिन कृष्ण अपने भक्तों को कभी भूलते नहीं, चाहे किसी परिस्थिति में भी वो क्यों ना रहे, किसी भी परिस्थिति में वो क्यों ना रहे, वो अपने भक्तों को नहीं भूलते। इसलिए मैं कहता हूं आज भी तेरा आसरा वन खड में पो, नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ।
एक काफी है हमारे लिए। इसलिए हमेशा कहता हूं सबसे निभाओ, सबसे निभाओ। हाय हेलो राम राम, सबसे निभाओ, सबसे अच्छा चलो, सबसे सदव्यवहार करो, निभाओ सबसे बहुत अच्छे ढंग से, लेकिन भाव एक राधा वृंदावन चंद्र का। कभी कर्तव्य से नहीं भागना है, जो आपका कर्तव्य है उसको निभाओ, लेकिन याद रखना आप जितना निभाते जाओगे उनकी एक्सपेक्टेशन और बढ़ती जाएगी, वो आपकी परिस्थितियों और आपकी मजबूरियों को नहीं समझेंगे, बिल्कुल नहीं समझेंगे। लेकिन कृष्ण आपकी मजबूरी भी जानता है, आपकी परिस्थितियां भी जानता है और आपकी समस्या भी जानता है। आप सुदामा की परिस्थिति कृष्ण को पता है, सुदामा की मजबूरी भी कृष्ण को पता है और सुदामा की समस्या भी कृष्ण को पता है। बहुत भाव से स्वागत किया, जैसे कोई राजा महाराजा हो, राजा महाराजे जैसा भी नहीं, अपने इष्ट जैसा, सुदामा के चरण धो रहे, सुदामा के चरण धो रहे। अब सुदामा के जब चरण धो रहे हैं तब श्री कृष्ण, अब देखिए भगवान अपने भक्तों को कितनी महानता देते हैं कि उनके चरण का अभिषेक करके वो पूरे महल में छिड़क रहे हैं और वो चरणामृत पी रहे हैं। इतना तो इतना, अपनी सारी पटरानियों को कहा आओ सुदामा से क्या लो, आशीर्वाद लो। अब आप जानते सुदामा कितना पैदल चल के आ रहे हैं, कितनी दरिद्र अवस्था में, शारीरिक रूप से कितनी दरिद्र अवस्था में, और बिठा दिया है उनको तो किस पे, आसन पे। रुक्ष्मणी आई, सौभाग्यवती भव, एक गई दूसरी आई, दूसरी गई तीसरी आई, तीसरी गई चौथी। सुदामा ने कहा हे कितनी यहां पर, यहां तो पूरी लाइन लगी पड़ी है। आपको पता है वहां कितनी पटरानियां थी जी, 16,000। अब सुदामा का तो हाथ थक गया, 16 को देते दोते। सुदामा ने सोचा एक काम करूं, इन सबों को आशीर्वाद देने के बजाय कब तक कहूंगा स्वागत रहो स्वागत रहो। श्री कृष्ण पे हाथ रख दिया, बोला आपकी लंबी उम्र हो। एक की लंबी उम्र होने से सब पत्नियों को लाभ मिल गया। श्री राधे श्री राधे, एक की लंबी उम्र होने से सबको लाभ मिल गया। अब सब कुछ हो गया, समझिएगा थोड़ा भी कृष्ण के लिए कितना बहुत है, और संसार के लिए बहुत भी करो तो उसको थोड़ा ही लगेगा। आखिर में बच्चे यही कहेंगे पापा देखो दूसरे के बाप ने तो दुकान भी अपने लिए, आपकी तो अपनी दुकान भी रही है, भाड़े पे ही हो अभी तक पूरी उम्र क्या किया। फलाने को देखो 10 दुकानें बना के मार्केट में बैठा, आपसे एक दुकान भी नहीं बनी, आप वही भाड़े पे रहते हो और उसकी वजह से हमारे रिश्ते तक नहीं होते, कभी खुश नहीं होंगे। वो आपकी मजबूरी आपकी समस्या को नहीं समझेंगे, कभी नहीं समझेंगे। लेकिन कृष्ण आपकी समस्या आपकी परिस्थितियों आपकी मजबूरी आपके हालात को समझ सकता है। अब समझिएगा सुदामा से पूछा मेरे लिए क्या लाए हो। अब सुदामा ने तो कभी जिंदगी में इतने बड़े महल देखे ही नहीं थे, कभी इतनी बड़ी राजधानी देखी ही नहीं थी। अब सुदामा जो पोटली लाए थे हाथ में दबा के चुपचाप बैठ गए,
कि यहाँ जो 56 भोग रोज खाता है, नाना प्रकार के व्यंजन जो रोज खाता है, हजारों नौकर चाकर जिसके आगे पीछे घूमते हैं, वो मेरे सूखे हुए बासी मुरमुरों को खाकर क्या प्रसन्न होने वाला है। सुदामा दबा के बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ऐसे छोटे बच्चे की तरह झटपे उसमें कि कुछ तो खास चीज ऐसी से तुम छुपा रहे हो मुझसे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु, आप दीन के मित्र है गोविंद, दरिद्रतों के आप मित्र है। आप करुणा सिंधु हो और दीन बंधु हो, दीन बंधु हो, करुणा सिंधु हो, दीन बंधु हो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। क्या लेकर आए हो इस पोटली में सुदामा? अरे प्रभु इसमें कुछ भी नहीं है, छोड़िए जाने दीजिए, जो महाप्रसाद है आप लीजिए। अरे नहीं इसमें कुछ खास लगता है, छीन लिया, चपट लिया। देखा तो उसमें पफ्ड राइस, सेके हुए चावल। अरे वाह, इस डिश की, इस तरह के खाने की तो मैं कई साल से प्रतीक्षा कर रहा था। फटे पुराने कपड़े में वो चावल बंधे हुए हैं, एक चावल मुंह में डाला, वाह। एक चावल मुंह में डाला, वाह। जहां स्वार्थ है संसार वहां झुकता है, जहां स्वार्थ है उसकी प्रशंसा करता है। एक आदमी खाना खाने बैठा, उसकी माँ ने भोजन दिया, माँ ने भोजन दिया, जैसे ही मुंह में डाला माँ को बोलता, माँ इतनी गंदी दाल बनाई है, इतनी स्वादिष्ट हीन, स्वादहीन, इतनी फालतू दाल, छी कौन खाएगा। माँ ने कहा, चिल्ला मत, तेरी घरवाली ने बनाई है। बोला फिर ठीक है चल, क्योंकि वहां उसका सारा स्वार्थ है, वहां पंगा लेगा तो दंगा होगा, वहां उसके स्वार्थ है सारे। इस कड़वे सच को मानना पड़ेगा, और माँ को चिल्ला सकता है क्योंकि वहां उसका कोई स्वार्थ नहीं रहा, वहां कोई स्वार्थ नहीं रहा, इसलिए चिल्लाएगा उसको। कृष्ण लेकिन नहीं कहा, छी ये क्या, सड़े हुए कपड़े में ये फालतू चावल लाए, तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे देखो, मेरी पर्सनैलिटी देखो, मेरी परिस्थितियां देखो, मैं राजा हूं, और ये क्या लेकर आए तुम? संसार को रूठते हुए देर, अगर आप उसके एक्सपेक्टेशन से कम हो गए ना तो बहुत नाराज हो जाएंगे। आप किसी की शादी में जाइए, शादी में लिफाफे पे आप अपना नाम भी लिखते हो ना, फलाना फलाना लिफाफा दिया। अब सारी बात है, वो लिफाफा खोलेगा, खोलने के बाद अगर उसमें से 5,000 निकले तो बोलेंगे, वाह देने वाला कौन है देख। तो देने वाला कौन है देख, वाह वेरी नाइस। और लिफाफे में से निकला 100 रुपया, सी कंजूस को 100 ही रुपये मिले हैं, वो आपसे कभी खुश नहीं होंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि हो सकता है इसकी परिस्थिति 100 रुपये की हो सकता है इसकी मजबूरी 100 रुपये की हो सकता है इसके हालात 100 रुपये के हो। कृष्ण ऐसे नहीं देखते
कि किसने चांदी के प्याले में खिलाया और किसने स्टील में खिलाया और किसने पत्तल में खिलाया, वो तो ये देख रहे हैं सुदामा के भाव को। एक चावल खाया, वाह कितना आनंद आ गया, झपट से दूसरा भी खा गए। जब तीसरा खाने लगे, रुक्मणी ने हाथ रोक लिया, प्रभु इतने सावल चावल खाओगे, इतना भार उतार कैसे पाओगे? ये आपका भक्त है और भक्त का भार आप पे चढ़ता है तो आप नहीं उतार पाते हो, क्योंकि भगवान भी अपने भक्तों का बदला नहीं दे पाते हैं। इतने भक्त उनके उनको इतना सर पे रखते हैं भगवान। ये आप हो ना, ये जो सब ये कृष्ण के प्यारे बैठे हो। एक नाम होता है ना राम दुलारी, ये आप सब राम दुलारी यहां बैठी हो, ये आप राम प्यारे बैठे हो, कृष्ण दुलारी बैठी हो आप। हाँ, आप सब कृष्ण दुलारी बैठे हैं। हरि को भजे हरि का होए जाति वरण पूछे ना को, ये सब कृष्ण के प्यारे बैठे हैं आप। क्यों? आप अपना समय कृष्ण को देते हो। हे श्याम सुंदर, हमारे पास कुछ भी नहीं, ये समय है ये आपके लिए गोविंद। यहाँ क्या करेंगे? बैठेंगे, आपके विषय सुनेंगे, आपके दर्शन करेंगे, आपका प्रसाद लेंगे। यह हमारा समय श्याम सुंदर आपके लिए है। ये आप सब कृष्ण के प्यारे बैठे, इसलिए थोड़ा भी करो कृष्ण के लिए बहुत है। कृष्ण उसे सप्रेम स्वीकार कर लेते। नहीं तो मैंने पहले कहा ना, यहाँ लिफाफे देखे जाते खोल खोल के, किसमें से कितना निकला, जितना ज्यादा निकला उसकी इतनी ज्यादा तारीफ। हाँ, ये बहुत बड़े दिल के लोग हैं, बड़े दिल वाले, और ये मुर्गी जैसा दिल है, वो आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि दिया तो सही। और गुरु साधु संत भगवान ये नहीं देखते हैं कि क्या दिया, वो ये देखते हैं कि दिया तो सही, इसको देने की आदत तो पड़ी। इसलिए कृष्ण कहते हैं, तुम जो भी करते हो मेरे अर्पण कर दो। इससे क्या होगा इस विषय में कल फिर चर्चा करेंगे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निधाय गौर, जय जय श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे।